साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि गाय भैंस का वजन नहीं बढ़ पाता है, गाय भैंस दुबली पतली होती है, कमजोर होती जाती है, आपको क्या खिलाना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, उनका आप कैसे ध्यान रखेंगे, और हम पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में बता देंगे कि आप इनका वजन कैसे बढ़ाएंगे, इनको मोटा तगड़ा कैसे कर लेंगे, इनको क्या खिलाना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, पूरी जानकारी एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है। यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं, पूरा वीडियो देख लेते हैं, तो आपके पशुओं की कमजोरी दूर हो जाएगी, वजन बढ़ जाएगा, मोटा तगड़ा हो जाएगा, किसी भी तरह की समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो बने रहे आप इस वीडियो में अंत तक। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि आपके पास पशु, हर पशु मालिक रखता है, उनके पशुओं का न तो वजन बढ़ता है, न मोटे तगड़े होते हैं और उनका गोबर भी पतला आता रहता है, पशु कमजोर होता जाता है। पशु मालिक उनकी समय समय से खुराक करते हैं, हरा चारा खिलाते हैं, सूखा चारा खिलाते हैं, फीड खिलाते हैं, खली खिलाते हैं और दुनिया भर के आइटम खिला देते हैं, वो महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, दवाइयों का प्रयोग कर लेते हैं, बहुत सारी ऐसी दवाई आती है उनका भी प्रयोग कर लेते हैं, तो भी उनके पशुओं का न तो वजन बढ़ता है, न उनको शरीर मोटा तगड़ा होता है। हम फील्ड में जब जाते हैं तो पशु मालिक हमसे चर्चा करते रहते हैं कि उनके पशुओं का वजन नहीं बढ़ता है, हमने ट्रीटमेंट करवा लिया, मोटा तगड़ा नहीं हो रहा है, यह क्यों नहीं हो रहा है। आपको इनका कारण का भी पता होना चाहिए कि पशु यदि आप रख रहे हैं तो उसमें क्या कारण हो सकते हैं, आपको कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप पशु मालिक हैं तो आप जो भी खिलाएंगे पशु मालिक जो भी खिलाएगा पशुओं को लगता जाएगा, पशु का वजन बढ़ता जाएगा, मोटा होता जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको पशुओं की विशेष देखभाल करनी होगी, क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है, कैसे उसका ख्याल रखना पड़ता है, किस समय क्या चीज खिलानी रहती है, किस समय पशुओं की देखभाल करनी है। यदि आपको यह सारी जानकारी है तो आप पशुओं का वजन आसानी से बढ़ा लेंगे, वरना आप कितना भी खिला देंगे, कितनी भी खुराक कर लेंगे, आपके पशुओं का वजन नहीं बढ़ेगा। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, उसके द्वारा भी आपने ट्रीटमेंट किया है कि यह इंजेक्शन लगा लीजिए, आप एक दिन में 10 किलो वजन बढ़ा लेंगे, पर आपके पशुओं का वह भी काम नहीं कर रहा है। आपने दवाई खिला दी, बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि यह दवाई खिला दे 8 दिन में 10 दिन में पशुओं का वजन बढ़ जाएगा, तो यह भी आप करके देख चुके हैं, इससे भी आपके पशुओं का वजन नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि आपको सही जानकारी नहीं है। हर पशु मालिक को सही जानकारी नहीं है। जिस पशु मालिक को सही जानकारी है उनके पशुओं में यह समस्याएं बहुत कम देखने को मिलती है या बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। वो जो भी खिलाते हैं उनके पशुओं को लगता जाता है पशु मोटा होगा, तगड़ा होगा, वजन बढ़ेगा, बहुत कम दिनों में वो ये सब काम कर लेगा। आज हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। यह वीडियो यदि आप पूरा देखेंगे तो इस वीडियो में आपको पशुओं की जितनी भी तरह की समस्याएं आती है, वजन बढ़ने की, मोटा होने की, तो वह सारी समस्याएं आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और उसका ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा। तो बने रहे आप इस वीडियो में अंत तक। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आप पशु तो रख रहे हैं तो उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। यदि आप वाकई में वजन बढ़ाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको उनकी देखभाल करना है। देखिए, यदि आप पशु रख रहे हैं, हर पशु मालिक को ध्यान देना है कि जो भी पशु मालिक पशु रख रहे हैं उनकी आपको देखभाल कैसे करना है। देखिए, सर्वप्रथम आपको पशुओं को समय समय से नहलाना चाहिए। यदि आप कोशिश करें तो पशुओं को यदि रोज अच्छे से नहलाइए, जिससे पशु स्वस्थ रहेंगे। गर्मी का मौसम चल रहा है तो कम से कम 2 से 3 बार पशुओं को नहलाइए, इससे पशु स्वस्थ रहेगा, उसके शरीर पे जू चिचड़ किल्ली जो उड़ने वाले जानवर रहेंगे यह भी कम रहेंगे। एक बात का तो आपको यह ध्यान रखना है कि यदि आप पशु रख रहे हैं तो उसकी सही से देखभाल करनी बहुत ही जरूरी है। इसके बाद आप चारा खिला रहे हैं, उसको हरा चारा खिला रहे हैं, सूखा चारा खिला रहे हैं, अनाज खिला रहे हैं, खली खिला रहे हैं, यह सब खिला रहे हैं, उसका भी आपको समय समय से ध्यान देना चाहिए, किस मात्रा में कैसे खिलाना चाहिए। तो देखिए, हरा और सूखा चारा की मात्रा आपको बराबर रखनी चाहिए। यदि हो सके तो आप कुट्टी बना के खिलाइए उनको। दाना भी आप सुबह शाम समय समय से खिलाइए, हर बार ज्यादा मात्रा में भी नहीं देना है। उसको आप 500 ग्राम शाम को दाना खिला सकते हैं, इससे ज्यादा आपको दाना नहीं देना है, क्योंकि इसकी भी मात्रा यदि आप ज्यादा देंगे तो भी पशुओं को दिक्कत है।
इसके बाद आपको प्रतिदिन पशुओं को मीठा सोडा और प्रतिदिन आपको नमक भी देना बहुत ही जरूरी। थोड़ा थोड़ा नमक और थोड़ा थोड़ा मीठा सोडा आप पानी में डाल के पशुओं को समय समय से पिला सकते हैं। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ में आपको पशुओं को एक जगह दिन में बंधे हुए नहीं रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो पशु ज्यादातर एक जगह ही बंधे रहते हैं वो ज्यादातर बीमार होते रहते हैं, वो कमजोर होते रहेंगे, उनका लीवर कमजोर होता जाएगा और पशु दुबला होता जाएगा, धीरे धीरे इतना डैमेज हो जाएगा कि पशु बिल्कुल मरने जैसा हो जाएगा। आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि कम से कम आप पशुओं को 2 से 4 किलोमीटर रोज टहलाने ले जाइए। उसको यदि आप जितना टहलाएंगे उससे पशु उतना स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। आपने देखा होगा कि जो पशु ज्यादातर एक जगह बंधे रहते हैं उनके पैरों में एमपीडी देखने को मिलती है, मीडियल पटेला डेस्मोटोमी हो जाती है, चिटकी हो जाती है, पैर झटके मारने लगते हैं, किसी किसी पैर में लंगड़ा आने लगती है, खुर बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा उसका गोबर पतला हो जाता है, पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है, कई समस्याएं देखने को मिलती है। एक जगह बंधे रहेंगे पशु तो उसके शरीर पे जू चिचड़ी किलनी उड़ने वाले जानवर भी घर बना लेंगे आसपास और रोज उड़ के उनके ऊपर आएंगे और उनको परेशान करेंगे। तो आपको इसका भी विशेष ध्यान रखना है कि समय समय से आप पशुओं को टहलाते रहिए। यह तो आपको घर पे काम करना है साथियों। इसके बाद आपको क्या करना है, यदि आप पशु रख रहे हैं तो हर 3 माह में पशुओं की डिवर्मिंग करवाना बहुत ही जरूरी है। देखिए डिवर्मिंग क्या होती है, आपको हर 3 महीने में पेट के कीड़े की गोली देना बहुत ही जरूरी है। पेट के कीड़े की गोली क्यों जरूरी है पशुओं को, तो साथियों जो पशु आप रख रहे हैं उनको यदि आप 3 महीने में पेट के कीड़े की गोली नहीं देंगे तो पशु कमजोर होता जाएगा, क्योंकि उसके शरीर में जो फ्लूक रहते हैं कीड़े रहते हैं वो हो जाएंगे तो उसका लीवर डैमेज कर देंगे, पशु कमजोर होगा और शरीर के बाहर भी जो चिचड़ी किलनी रहती है। तो आप ऐसी गोली दीजिए जो अंदर के कृमि और बाहर के कृमि दोनों का खात्मा करे। आप एल्बेंडाजोल प्लस आयरमेक्टिन गोली आती है जो पशु गाभिन नहीं रहते हैं उनको 3000 ग्राम की बोलस आती है, बड़े पशुओं में आप देंगे तो दोनों तरह की डिवर्मिंग हो जाएगी आंतरिक और बाहरी। तो यह गोली हर 3 महीने में देना है। वो जो पशु प्रेग्नेंट है गाभिन है उसको फेनबेंडाजोल प्लस आयरमेक्टिन की देना जरूरी है। तो आप यह हर 3 महीने में काम करें। यदि आप यह गोली 3 महीने में दे रहे हैं तो हर 3 महीने में पशुओं को आपको लीवर टॉनिक देना बहुत ही जरूरी। 500 ml की लीवर टॉनिक आती है, उस गोली के साथ में आप 500 ml लीवर टॉनिक दीजिए जिससे उसका लीवर कमजोर ना हो। साथियों इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो एक तो इससे पशुओं का क्या होगा, शरीर पे चमक आएगी, मोटा होगा, तगड़ा होगा, शरीर बना रहेगा, गोबर पतला नहीं रहेगा, पशुओं में ज्यादातर जो इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी और बीमारियां बहुत कम आएगी। यदि आप यह गोली और लीवर टॉनिक देंगे समय समय से तो आपके पशुओं में यह समस्याएं बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि यदि आपने यह काम कर लिया तो आपका पशु कमजोर नहीं होगा। यदि आप हर 3 माह में यह काम करेंगे तो आपको ज्यादा दवाइयां खिलाने की जरूरत नहीं है, आपका पशु कमजोर बिल्कुल भी नहीं होगा, हमेशा मोटा तगड़ा होता रहेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। यदि आपके पशुओं की भूख भी खोलना चाहते हैं, पानी कम पीता है, तो आप यह काम कर ले जिससे पशुओं की भूख पूरी तरीके से खुल जाएगी और पशु पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पीने लगेगा। यदि पशु पानी ज्यादा पिएगा, भूख ज्यादा लगेगा तो आपका पशु बहुत कम बीमार होगा। तो इस दवाई से यह भी फायदा आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में आपको क्या क्या खिलाना चाहिए पशुओं को, तो हमने अभी बताया कि आप जो चारा खिला रहे हैं दोनों तरह का चारा, हरा चारा और सूखा चारा की मात्रा बराबर रखिए। आप उसमें हरा चारा और सूखा चारा दोनों खिलाते रहिए बीच बीच में, जिससे पशुओं का डाइजेशन सही से बना रहे। और उसको क्या क्या खिलाना चाहिए, देखिए पशु को आप दाना खिलाएंगे और दाने के साथ में यदि आप सरसों का तेल खिलाएंगे, सरसों का तेल और दाना बीच बीच में देते रहेंगे तो आपके पशुओं में इतनी चमक रहेगी, इतना पशु का वजन बढ़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। तो आपको बीच बीच में सरसों का तेल और दाना देते रहना चाहिए। यदि आप दाना देंगे तो आपके पशुओं में समस्याएं देखने को नहीं मिलेगी और धीरे 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 उसका वजन भी बढ़ेगा, पशु की भूख भी खुलेगी, पशु मोटा तगड़ा भी होता रहेगा। तो बीच बीच में आप यह भी काम करिए, हमने आपको बताया कि बीच बीच में आप नमक और मीठा सोडा यह भी देते रहिए, इससे पशुओं का डाइजेशन सही रहेगा और पशु पानी ज्यादा मात्रा में पिएगा और पशु के शरीर में आयोडीन की कमी रहती है वो भी नहीं हो पाएगी। तो आप इसमें यह काम भी करके देखिए जिससे पशुओं में किसी भी तरह की समस्याएं देखने को ना मिले। तो आपको नमक और मीठा सोडा भी बीच बीच में देते रहना चाहिए। साथियों यदि आपका पशु दुधारू है
तो आपको उसको मिनरल मिक्सचर देना बहुत ही जरूरी है। मिनरल मिक्सचर क्यों जरूरी है? यदि आप पशु से ज्यादा मात्रा में दूध ले रहे हैं तो पशु का एक तो दूध कम होगा, दूसरा पशु कमजोर होगा, उसके बाद उसका वजन कम होता जाएगा। तो मिनरल मिक्सचर में सारे विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, सारे विटामिन्स मिनरल्स पाए जाते हैं। तो आपको 50-50 ग्राम सुबह शाम मिनरल मिक्सचर 1 किलो देना बहुत ही जरूरी है। हर 1 से 2 महीने में आप दीजिए। जो पशु ज्यादा दुधारू है तो उनका भी वजन कम नहीं होगा, तो उनमें भी आप विशेष ध्यान रखें कि आप ये काम करते रहिए। समय समय से उनका दूध कम नहीं होगा और उनका वजन कम ना होगा और वो ऐसे कैसे मोटे तगड़े बने रहेंगे। आपको पता है कि जो पशु ज्यादा मात्रा में दूध दे रहा है उसमें विटामिन मिनरल्स की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, जिससे उनका धीरे धीरे करके दूध कम होता जाता है। तो उनका दूध कम ना हो उसके लिए आपको मिनरल मिक्सर देना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ में जो पशु प्रेग्नेंट है, आपने देखा होगा कि ज्यादातर समस्याएं प्रेग्नेंट पशुओं में देखने को मिलती है। तो प्रेग्नेंट पशुओं में आपको क्या करना है? यदि आपका पशु गाभिन हो गया है तो उसमें आपको मेटाबोलाइट मिक्स आता है। मेटाबोलाइट मिक्स गाभिन पशुओं के लिए वरदान साबित हुआ है, रामबाण साबित हुआ है। यदि आप गाभिन पशुओं में यह देना शुरू कर देंगे, 1 महीने पहले चालू कर दीजिए। जो पशु गाभिन है यदि पहले स्टार्टिंग में कमजोर हो रहा है तो उसको लिवर टॉनिक दे दीजिए। लेवर टॉनिक आप उसको 1 लीटर पिला दीजिए डिवर्मिंग करवा के। फेनमेंडाजोल फार्म की बोलस आती है 3 ग्राम बड़े पशुओं में, तो उसकी बोलस खिला के आप लेवर टॉनिक दे दीजिए। उसके बाद में यदि कमजोर होता जा रहा है पशु तो मेटाबोलाइट मिक्स पाउडर आता है, जिसमें कि प्रेग्नेंट पशुओं के लिए ही बनाया गया है, जो कि गाभिन पशुओं के लिए पूरी तरीके से वरदान है। तो आप गाभिन पशुओं में यह चालू कर दीजिए, 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम के हिसाब से, 1 पाउच सुबह 1 पाउच शाम को दीजिए। आपका पशु कमजोर नहीं होगा, ब्याने के बाद दूध कम नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा, जेर नहीं अटकेगी, उसके बाद उसका दूध कम नहीं होगा, जो बचड़ा रहता है वो नहीं अटकेगा। इस तरीके से कितने सारे फायदे देखने को मिलेगा, ब्याते ही पशुओं का दूध पूरी तरीके से आएगा। तो आप यह काम करके देखिए, गाभिन पशुओं में भी यह पाउडर वरदान साबित हुआ है। साथियों, यदि आप घर पे ही डिवर्मिंग करवाना चाहते हैं इन पशुओं की, तो आपको नीम जो आता है, नीम एक आयुर्वेदिक चीज है, इसकी पत्तियां बीच बीच में खिलाते रहिए, जिससे इनके पेट में जो कीड़े रहते हैं, आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के कीड़े देखने को नहीं मिलेंगे। और जहां पर आप इनको बांध रहे हैं, नीम की जो सूखी पत्तियां रहती है उनका आप धुआं कर दीजिए। यदि इनको मच्छर ना काटेंगे, मच्छर, कीड़े मकोड़े, जितने भी जानवर उड़ने वाले रहते हैं, यह भी वहां आसपास भी नहीं आएंगे। तो आप वहां पर नीम का धुआं करके व्यवस्थित रखिए। इनके पानी की व्यवस्था, हमने देखा है कि ज्यादातर पशु मालिक, उनका पशु कमजोर क्यों होता है, कि जो पानी की नांद रहती है या टंकी बना रखी रहती है या उनकी जो पानी पीने की व्यवस्था रहती है, वहां पर पानी कई दिनों तक भरा रहता है, उसमें कंजी हो जाती है, गंदगी हो जाती है, उसी में पशु मालिक पानी पिलाते रहते हैं सभी पशुओं को। तो आपको ये काम भी नहीं करना है। यदि आप पशुओं की समय समय से देखभाल करेंगे, आप रोज पानी बदलिए, साफ पानी पिलाइए और पशुओं को दिन में 2 से 3 बार नहलाइए, यह काम आप करते रहिए, जिससे पशु स्वस्थ रहेंगे, जिससे उनके लीवर फ्लूक नहीं पड़ेंगे, लीवर ठीक रहेगा, पशु बीमार कम होंगे, जिससे उनका वजन पूरी तरीके से बढ़ेगा, मोटा होगा, तगड़ा होगा। तो आप पानी की भी देखभाल करें और जहां आप बांध रहे हैं वहां पर भी अच्छी गद्देदार मुलायम जगह होने चाहिए, हवा होनी चाहिए, चारों तरफ से खुला होना चाहिए, पंखे होने चाहिए। और आप समय समय से नीम की पत्तियों से धुआं करते रहिए, गोबर समय समय से साफ करिए, जहां ज्यादा गंदगी हो जाए वहां पशुओं को ना बांधे। यदि आप यह काम कर लेते हैं तो आपका पशु कभी भी कमजोर नहीं होगा और उनको मोटा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप जो भी चीजें उसको खिलाएंगे वो सारी लगती रहेगी, पशु मोटा होगा, तगड़ा होगा। एक ही वीडियो में हमने सारी चीजें इसलिए बताई है क्योंकि पशु मालिक अलग अलग वीडियो देखते रहते हैं, जिससे उनको पता ही नहीं चलता है कि उनका पशु कमजोर क्यों हो रहा है, मोटा क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इन कारणों के आधार पर आप यह भी ट्रीटमेंट करके देखिए। और हमने जो बताया 100% बिल्कुल रियल बताया है। हम इस इतना बड़ा वीडियो इसलिए लेके आए हैं कि पशु मालिक भटक चुके हैं कि उनके पशुओं को उनको क्या खिलाना चाहिए, कब खिलाना चाहिए, उनको पता ही नहीं रहता है। तो आप यह काम करके देखिए साथियों, आपका पशु कभी भी कमजोर नहीं होगा, मोटा हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा और आप जो खिलाएंगे वो पूरी तरीके से लगेगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।